नीचे बैठ गए। जिंदाबाद, 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 हक चाहिए, हक चाहिए। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट सर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जो थी कम थी, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। प्रोटेस्ट नहीं है, यह हमारी उनसे डिमांड थी। हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से निकलें या ये हमें निकालें। अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ है, हम काम करना चाहते हैं। सैलरी की वजह से जो हमने जो हमारी सैलरी बहुत कम थी, 4000 रुपये सैलरी थी। हमने इनके काफ़ी देर इनसे डिमांड करते हो गए, 1.5-2 साल से, लेकिन नहीं माना इन्होंने। तो इसलिए हमने एक दफ़ा इनको एक लिख के भी दिया हुआ था कि आप हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन वो कहते थे कि आप जो 4000 रुपये हम आपको दे रहे हैं उसी 4000 रुपये पर काम करना है, तो करो, नहीं करना है तो आप नौकरी छोड़ दो। ठीक है, उस संबंध में हम लेबर कमिश्नर से मिलने गए, 1-2 दिन या 1.5 दिन हमें वहाँ, तो पीछे से इन्होंने CRP लगा दिया। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी घुसने नहीं दिया जा रहा, जबकि हमारे लड़के जो है काम करना चाहते हैं यहाँ पर। सैलरी बढ़ेगी तो हम काम करेंगे सर। किस सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पर लगे हैं और कितने सालों से यहाँ पर लगे? हम ठाकर सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ पर लगे हुए थे और 7-8 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। आपने जब आला अधिकारियों से बात की तो उनका क्या कहना था इस पे? उन्होंने 1.5-2 साल से, सर मैंने पहले बात की ना, 1.5-2 साल से हम उनके साथ बात कर रहे हैं। जिसके पास भी जाते हैं वो ये कह, अगर सिक्योरिटी ठाकर सिक्योरिटी के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा टेंडर खत्म है। अगर टेंडर खत्म है तो फिर हमारी सैलरी जो है 4000 रुपये क्यों दी जा रही है हमें? ठीक है, कौन डाल रहा है हमारा? हमें बड़ी हुई सैलरी दे दो, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं तुमसे। हम 2000 या 10000 15000 की डिमांड नहीं कर रहे, 750 रुपये जो हमारा 225 रुपये पर डे के हिसाब से बनता है वो हमें दिया जाए, और हम काम करने के लिए हमारे लड़के तैयार हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे 4000 दे रहे हैं और कोई छुट्टी मारते उसके पैसे भी काट लेते हैं जी, क्या फ़ायदा सर उसका? अगर किसी की 5 छुट्टी मारेगा तो बोले हम सैलरी देंगे उसको। हाँ जी सर, हमारी यही डिमांड है, हमारी यही डिमांड है कि जो गवर्नमेंट रेट है हमको वो सैलरी चाहिए, 750 ही चाहिए हमको। सर ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ से पिछले कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, तो सर ये 4000 है, आज मैक्सिमम घर नहीं चलता 4000 से। 1.5 लाख रुपये लेने वाले ये हमारी जगह पे बैठे हैं, हम इनकी जगह पे बैठे हैं, तब जाके इनको पता चलेगा कि 4000 से कैसे गुजारा करना पड़ता है। और एक बात हमें कहते हैं कि आप जॉब करते रहो तो सैलरी आएगी आपके पास। इन केस भगवान ना करे सर, ये कॉन्ट्रैक्ट भी इनका ख़त्म है, ये कहते हैं कि आप काम करो, इन केस हमारा किसी अटेंडेंट के साथ झगड़ा हो जाता है, हमारा बंदा मर जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये कहेंगे मेरा टेंडर ख़त्म है तो हॉस्पिटल वाले गए, ये खुद काम कर रहे हैं, ये तो हम चलने नहीं देंगे ना जी। जो भी करते हैं सर, ये अंदर से पैसे खाते होंगे, ये सारे प्रिंसिपल भी खाती होगी, ये सुपरिटेंडेंट भी खाता होगा, ये सब पैसे खाते होंगे, सब चोर है सर। ये गरीब का पैसा खाना कोई क्या बोलूँ अब सर इनके बारे में? मैं मुझे तो गुस्सा आता है इन पर, इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी।